हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका विराट स्टडी सेवन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एलसीएम से घंटी पर आधारित या बत्ती पर आधारित कुछ क्वेश्चन। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तीन घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर एक साथ बजेंगी। यहां पर दोस्तों बताना है कि कहीं पर तीन घंटियां लगी हुई हैं जो 9 बजे एक साथ बजती हैं, और इनके घंटियों का बजने का जो अंतराल है दोस्तों, पहली घंटी 12 मिनट के अंतराल पर बजती है, दूसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, और तीसरी घंटी 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। लेकिन कभी ना कभी ये घंटियां एक साथ बजती है, कुछ से नहीं कह रहा है। वही हम लोग को बताना है कि वो प्रातः 10 बजे एक साथ बजेंगी, या प्रातः 11 बजे एक साथ बजेंगी, या दोपहर 12 बजे एक साथ बजेंगी, या 1 बजे एक साथ बजेंगी, 1 बजे दोपहर में एक साथ बजेंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हम लोगों को ये 12, 15 और 18 का क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एलसीएम 12, 15 और 18। तो इसको हम भाग विधि द्वारा ही लगाते हैं दोस्तों। भाग विधि क्या होगा, 2 से कटेंगे, ये भी कट जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा, ये भी नहीं कटेगा। समझ गए ना आप? देखो 3 कटेंगे, ये सब की नहीं कटेंगे, तो ये 3 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 5 15 और 3 3 9 हो जाएगा। अब ये सभी अलग अलग संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, लासा क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 और × 5 हो गया कि नहीं हो गया? सब हो गया ना। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 × 15 × 45 और 45 × 2 क्या हो जाएगा, 90, और 90 × 180 क्या हो गया, 180 हो गया। अब 180 में अगर मिनट है, ये तो मिनट है ना, 180 मिनट बाद इसका मतलब क्या निकल के आया बेटा, कि 180 मिनट के बाद ये जब बज करके सब मतलब बजती रहेंगी अगर ये एक साथ 9 बजे बजी हैं तो 180 मिनट के बाद पुनः एक साथ ही बजेंगी। तो 180 मिनट में कितने घंटे, 180 मिनट को अगर घंटे में चेंज कर दिया जाए बेटा, तो 180 मिनट को किससे भाग दिया जाएगा, 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 0 0 कट जाएगा, 6 3 18 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? तो अगर 9 बजे बजी थी और 9 बजे में 3 घंटे और जोड़ दिया, जैसे 9 बजे के बाद 3 घंटा, तो एक 10 घंटा हो गया, 10 बज गया तो 1 घंटा हो गया, 11 बज गया 2 घंटा हो गया, 12 बज गया तो कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। यानी अब घंटी 9 बजे के बाद एक साथ कितने बजे बजेगी बेटा, 12 बजे बजेगी। इसलिए हमारा विकल्प नंबर 3 सही है। समझ गए ना, कोई समस्या? एलसीएम निकालने के लिए बेटा और एक और विधि का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आप लोगों को गुणनखंड मेथड भी बताया गया था। गुणनखंड मेथड क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो, 2 × 2 × 3 यही तो हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = 12 हो गया। फिर इसके बाद में ये आपका 15 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 18 हो गया बेटा, 18 को क्या लिखेंगे, यानी 2 × 3 × 3 यही तो लिखेंगे, 3 3 9 18 हो गया। अब इसको देखो बेटा, हमने आप लोग को बताया था कि जो मिलेगा उसको एक साथ एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल, अब इसमें देखो ये 2 में मिल रहा है ना, तो ये भी एक साथ एक ही बार लिखा जाएगा, और कुछ ये भी 2 और कुछ नहीं मिल रहा है कि 2 बार को कहीं ना, तो यहाँ से ये 2 लिख देंगे, ये 2 खाली पड़ा इसको लिख देंगे, फिर यहाँ से ये 3 वाला लिखेंगे, फिर ये 3 और ये 5, तो ये क्या हो गया, फिर यही संख्या आई कि नहीं आई, तो 180 हो गया। ये फिर हमारा क्या हो गया, फैक्टर मेथड हो गया। और एक मेथड है, क्या है, और एक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा क्या है 12 हो गया, फिर यहाँ से क्या है हमारा अगला क्या है 15 हो गया, फिर क्या है 18 हो गया, यानी 12, 15 और 18। अब इनके क्या लिखने हैं, हमको अभाज्य गुणनखंड लिख देने हैं। तो ये कितने से कटेगा बेटा, ये लिख इसको लिख सकते हैं 4, ट्री मेथड वाला जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, पांच तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 3 18 लिख सकते हैं, और 6 में भी क्या होगा, यहाँ से 6 में भी क्या आएगा, 6 में भी 3 × 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा, ये 3 ये 3 और ये 3 सब में है ना, है कि नहीं है, इसको एक बार लिख दिया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब यहाँ देखो बेटा, ये यहाँ से ये और ये दोनों में देखो कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा वही लिखा जाएगा, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो 4 हो गया। क्योंकि कहीं अगर जाना हो, मान लीजिए अगर मान लीजिए 4 भाई हैं कहीं पर, ये सभी एक दूसरे के भाई हैं, मान लो 4 भाई हैं, अगर कहीं मान लीजिए खाना वाना खाने जाना हो, या बारात जाना हो, या और कहीं जाना हो, कौन जाता है, बड़का भाई जाता है ना, तो बड़का को हम लिखेंगे, छुटका कहाँ रहेगा, घर ही रहेगा। और फिर इसी के बाद में देखो बेटा, अब ये दोनों कहीं नहीं, अलग अलग है ना, तो लिख दिया इनको भी 5 × 3 लिख दिया, गुणा करते हैं बेटा, 5 × 20 20 × 60 और 60 × 180। देखो हमने आपको 3 मेथड बता दिया, ये LCM निकालने के, समझ में आ गया ना, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं ना, चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, और चाहे इससे निकाल, कहीं भी अगर बेटा घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए कि 3 घंटियां इतना इतना अंतराल पर बजती हैं, तो और इतना बजे एक साथ बजी हैं, तो अब कब फिर वो एक साथ बजेंगी, क्या निकाल देना हमको, LCM निकाल देना। अगर घंटे में पूछ रहा है घंटन चेंज कर देंगे, मिनट में पूछ रहा है तो मिनट में चेंज कर देंगे, यानी जैसा पूछ रहा होगा वैसा चेंज करके तुरंत लिख देंगे, समझ में आ गया ना। जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहे थे, ये 9 बजे बजी थी और हमने निकाला क्या, 180 मिनट बाद बजेगी, क्या बजेगी अब घंटी, 180 मिनट के बाद बजेगी एक साथ, है ना, तो 180 मिनट को हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ घंटे में बताना था, 9 बजे के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, है, तो 3 घंटे बाद बजेगी, इसका मतलब क्या हुआ, 3 घंटे बाद बजेगी, तो 9 बजे बजा था, तो 9 बजे के बाद 3 घंटा कब पूरा होगा, 12 बजे पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, तो इसलिए 12 बजे वो बजेंगी एक साथ, ठीक है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही आसानी के साथ चल रहे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं, एक साथ में प्रातः 6:10 मिनट पर चमकती हैं, इसके पश्चात में एक साथ कब चमकेंगी। विकल्प में दिया गया प्रातः 7 बजे, प्रातः 7:20 मिनट पर, और प्रातः 7:10 मिनट पर, और प्रातः 7:30 मिनट पर। दोस्तों इसमें हम लोगों को बताना है कि मतलब एक ट्रैफिक बत्तियां हैं, ट्रैफिक बत्तियां कितने कलर की होती है बेटा, 3 कलर, कौन कौन सा होता है, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला, यानी रेड होता है, ग्रीन होता है, और येलो होता है। रेड ग्रीन येलो का क्या मतलब होता है, रेड ग्रीन येलो का क्या मतलब होता है, रेड जल जाए अगर तो क्या होगा, रुक जाना है हमको, ग्रीन जल जाए तो क्या होना है, हमको चल देना है, अपना स्थान छोड़ देना है, और येलो हो जाए तो क्या, तैयार हो जाना है, समझ गया ना। ये है उनके महत्व, उनके महत्व पर ही हमको ये क्वेश्चन लगाना है बेटा कि तीनों एक साथ कब चमके, एक साथ ये चमक चुकी थी 6:10 पर, एक साथ कब चमक चुकी थी, 6:10 पर चमक चुकी थी, और इसके बाद हमको बताना है पुनः ये फिर कब ये यही दोहराएंगे कि मतलब एक साथ चमकेंगे। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, कैसे लगाए बेटा, जो लास्ट मेथड बताए थे उसी पर लगाए, चलो देखते हैं ये क्या होगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, देखो 5 5 5 सब में तो 5 आ गया है ना। अब ये 2 है और ये 4 है, कौन जाएगा, 4 जाएंगे ना, और ये 3 अकेले बच रहे हैं, इनको भी ले लो, हो गया बेटा 5 × 20 = 60, 5 × 20 = 60 मिनट हो गया, 6:10 पर चमकी थी, 1 घंटे बाद फिर चमकेंगी, तो कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 7:10 मिनट पर दोबारा चमक जाएंगी बेटा, ये तीसरा नंबर विकल्प हमारा सही है, समझ गए ना, किसी को कोई समस्या, और कोई स्कीम बता दें इसके लिए, हैं, डिवीजन मेथड भी बता दें, फैक्टर मेथड भी बता दें, सब बता दें,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवीजन मेथड क्या होगा। 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 5 10 हो गया, ये नहीं कटेगा, 2 10 20 हो जाएगा, याद है फिर 2 से ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कटेगा, 2 5 10 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, नहीं अभी 3 से जाएगा, इससे पहले हम लोग 3 से ले चलेंगे, आएगा वही, बट रूल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पहले हम बड़ी संख्या से नहीं काट सकते, पहले छोटी संख्या से काटना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 3 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, अब ये एक साथ सब लोग कर जाएंगे 1 1, आंसर तो वही आना है ना, 5 3 15 15 2 30 और 2 60 आ गया बेटा 60 मिनट, यानी 60 मिनट के बाद पुनः फिर एक साथ चमकेंगी। और अगला मेथड क्या है बेटा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या लाएंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 5 हो जाएगा, 20 का करेंगे बेटा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 3 में मिल गया इसलिए 5 इसको लिख दिया तुरंत, ये 2 क्या हुआ यहाँ यहाँ मिल गया इसलिए लिख दिया 2, ये 2 अकेले छूट गया इसको भी ले लेंगे, ये 3 भी अकेले रह रहा है इसको भी साथ में बुला लेंगे, ठीक है जी। अब क्या हो गया 3 × 6 18 18 5 9 ज्यादा हो रहा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 10 10 × 20 और 20 60 मिनट, ये भी आ गया बेटा, देख लो तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया, ठीक है ना। तो अब ऐसे बत्ती और घंटी वाले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कर पाएंगे ना, वेरी आसान है ना। जब तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे और देखते थे कब चमकेंगी कब बजेंगी, तब तक हमारे दिमाग की घंटी भी बज जाती थी, कैसे लगाएंगे क्या होगा, अब तो कुछ नहीं समझते है ना, अब नहीं समझते ना, अब हो जाएगा ना। आपने एलसीएम निकालने की भी कितनी विधियां सीख ली, 3 विधियां सीख ली, तीनों विधि से आप लोग एलसीएम को तुरंत चुटकी में निकाल सकते, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 3 गिरजाघर की घंटियां क्रमशः 10 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 पर बजी तो अगली बार वह कब एक साथ बजेंगी। दोस्तों इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी गिर कोई गिरजाघर है दोस्तों जिसमें घंटियां लगी हुई हैं, वो 10 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं और एक साथ वो 8:30 पर बजी थी, तो अगली बार वो कब एक साथ बजेंगी। आइए देखते हैं, निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया, 12 हो गया और ये 15 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5 × 10 इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा 4 3 5 3 15 समझ गए ना, तो ये है 5 और ये है 5, दो जने एक साथ ही चला रही है, ठीक है ना, ये हो गए समझ गए ना, ये दो जने एक साथ ही जाते फ्री हो गए। अब ये दोनों जने, ये छोटका भाई और बड़का भाई के जी है, बड़का भाई तो बड़का भाई जी है, छोटका भाई नंबर बाद में आवत है, अब नहीं कर जब बड़का चला जी है तो छोटका कैसे जी है, छोटका जान लो नहीं सीख साथ ही चला गए। तो आगे देखो 5 3 15 4 60 मिनट बाद फिर एक साथ वो कब बजेंगी बेटा, यानी ये 60 मिनट बराबर 1 घंटा हो गया, 8:30 पर बजी थी तो अब कब बजेंगी, 9:30 पर बजेंगी, आंसर कहाँ है हमारा दूसरा वाला आंसर है, समझ गए ना बिल्कुल, किसी को कोई समस्या नहीं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों धन्यवाद।